हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं भीमताल वाले रस्ते में, और ये तनुज है, नाश्ता करके नहीं आया तो क्रीम रोल उठा रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं लंबे टूर पर, कम से कम 5-6 दिन का टूर है। और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रानीखेत की ओर, और फिर रानीखेत से हम लोग आगे निकलेंगे। तो रानीखेत से हम आगे कहाँ जाएंगे वो हम आपको रानीखेत पहुँच के बताएंगे, और तब तक आप मोटो ब्लॉग एंजॉय करें। देखिए, सबसे पहले हमारा सीन बना था हम लोग बस से जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि चलो मौजी आए मौजी रात कार में जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसे कहा मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, अब हम लोग चल रहे हैं बाइक में एज यूजल, जैसे हम ऑल टाइम जाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग भीमताल से जस्ट 3-4 किलोमीटर पीछे हैं, और अभी हमने एक शॉप ढूंढी है जहाँ से रिचार्ज करना है, हमने रिचार्ज करवाते हैं और चाय पीते हैं कहीं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भीमताल मार्केट, एक छोटी मार्केट यहाँ पर है, बाकी आपको इधर सामने सब रिजॉर्ट्स दिखेंगे, उधर मार्केट है पूरी, और ये भीमताल की झील है। और बीच में इसका जो मेन फोकस है वो है इसके बीच में जो एक टापू है, वहाँ एक कैफ़े भी है और एक्वेरियम भी है। तो वो जगह यहाँ बेसिकली टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये जो बीच में आपको टापू जैसा दिख रहा होगा ना, ये है जहाँ कैफ़े भी है और एक्वेरियम भी है। अपनी दूसरी चाय भी आ चुकी है आज, तो चाय पीते फिर आगे निकलते हैं। अभी हमें काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होगा यहाँ से। मावाजी लोग भी निकल चुके हैं, वो भी आउट ऑफ नेटवर्क रेंज चल रहे हैं, तो उनसे वो मिलना है हमने रानीखेत में। ये भवाली है। तो अभी हम लोग यहाँ से बढ़ चुके हैं आगे, अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधे कैशीधाम। कैशीधाम से आगे हम जाएंगे गर्म पानी, गर्म पानी से फिर हम लोग कटेंगे सीधे रानीखेत। भैया हमने इतने का तेल भरवाया है, ज़्यादा नहीं, तो हमने टंकी फुल करा ली। फुल मतलब फुल छलक रही है बिल्कुल बाहर को। होंडा साइन में 25 लीटर तेल आ रखा है, मजाक बात नहीं है। तो गाइस, ये नीचे कैचीधाम मंदिर है बाबा नीम करौली जी का। तो आप देखें, एक ही बगल से नदी बह रही है, ये पूरा नीचे कैचीधाम मंदिर है। और आसपास कितने घने पेड़ है, जंगल है पूरा, काफ़ी प्यारा है। और ये मंदिर पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुकून मिलता है इस मंदिर में आके। हम लोग का जितने भी टूर होता है कभी ना कभी हम लोग यहाँ जाते रहते हैं। अभी तो फिलहाल हमें देर हो रही, तो अभी तो हम यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं जाएंगे, लेकिन लौटते वक्त हम लोग ज़रूर जाएंगे एक बार, क्योंकि दर्शन करने हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हो कितनी मस्त धूप हो रखी है यहाँ पर, और अपनी साइड तो कोहरा हो रखा था, सुबह से कोहरा लगा हुआ था। दिन में हम लोग हल्द्वानी पहुँचे, वहाँ पर हल्की हल्की धूप थी, लेकिन अब इधर की साइड तो काफ़ी अच्छी धूप है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। और एज यूजल अल्मोड़ा की रोड थोड़ी सी ख़राब है, तो हल्का सा जाम यहाँ पर मिलेगा ही हमें। और ये जाम हमें शायद जहाँ तक है गर्म पानी क्रॉस करने तक ऐसे ही मिलेगा। हम लोग पहुँच चुके हैं खैरना, और ये खैरना और गर्म पानी के स्टार्टिंग मार्केट है। दोनों खैरना और गर्म पानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट ये भी कह सकते हैं कि जैसी खैरना खत्म होता है वैसी गर्म पानी स्टार्ट होता है, और आपको पता नहीं चलेगा कब खैरना स्टार्ट हो गया कब गर्म पानी स्टार्ट हो गया। अभी हमने यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, और फिर हमने वहाँ से पुल क्रॉस करके सीधे हमने निकलना है रानीखेत की ओर। ये वाला पेट्रोल पम्प जो है ये लास्ट है अभी, उसके बाद आपको सीधे रानीखेत में मिलेगा। शायरी बड़ी शायरी शायरी खतरनाक थी, मतलब जो ट्रक वाली शायरी होती है ना, काफ़ी प्यारी होती है, मतलब पूरी ज़िंदगी का एक जो सार होता है ना, वो एक दो लाइन में निकाल देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रानीखेत 30 किलोमीटर। तो इस वाले पुल से निकलना हमें आगे, और फिर दूरागिरी यहाँ से 71 किलोमीटर, हमें जाना है दौराहाट। ये जो नदी आप देख रहे हो ये है कोई।
गाइस मैं यहाँ पर एक सिनेमैटिक ले रहा था तो मेरे को दूर से आवाज़ आ रही कहीं पर क्रिकेट मैच चल रहा है। चलिए देखते हैं क्रिकेट मैच। तो अभी हम लोग चलेंगे इस छत पर, फिर यहाँ से मैच देखेंगे। छोटे ग्राउंड में भी डबल साइड मैच चल रहा है। अभी तक यहाँ से बॉलिंग हो रही थी, अब यहाँ से बॉलिंग हो रही है और ये पूरा फील्ड है और पीछे व्यू देखो आप कितना प्यारा है। तो आधा घंटा वैसे के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे को। ऑलमोस्ट 2 बज चुका है। ट्रॉफी देने आएंगे मेरे हिसाब से, कहीं मामा जी आगे ना निकल गए हो। तो अभी हम लोग फटाफट आगे रानी के चलते हैं, फिर वहाँ से फ़ोन करते हैं, देखते हैं शायद वो लोग आगे पहुँचे या पीछे पीछे आ रहे, पता चल जाएगा। अभी अच्छे लग रहे हैं। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं रानीखेत पे। ये आ रहा है इतना बड़ा लिखा हुआ, छावनी परिसर रानीखेत, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सो वी आर एंटरिंग इन रानीखेत राइट नाउ और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे रानीखेत मार्केट में। थोड़ी देर बाद रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे अपनी मंजिल गौराहाट की ओर। तो ये रास्ता जा रहा है ऊपर रेजिमेंटल एरिया, जो पूरा शॉर्ट मारेगा ये पूरा आपको लेके जाएगा मार्केट के बाहर। ये वाला रास्ता आपको मार्केट के अंदर लेके जाएगा। मुझे पहाड़ आना इसी वजह से पसंद है क्योंकि ये देखिए काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी बैठने लायक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पिकनिक बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे पुराने मकान आपको दिख जाएंगे जो बहुत पुराने होंगे। मैंने कहा थोड़ी देर चिल कर लेते हैं, धूप सेक लेते हैं। वहाँ जी लोग अभी काफ़ी पीछे हैं और अभी कहते हैं से 2 से 3 किलोमीटर है। 15-20 मिनट इसलिए अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की ओर। अब हम लोग पहुँच चुके हैं रानीखेत। ये रानीखेत का टैक्सी स्टैंड है, KMU स्टैंड है। शाम के 4 बज चुके हैं और फिलहाल अभी हम लोग रानीखेत से निकले हैं। ये रानीखेत की मार्केट है, पूरी थोड़ी सी और पीछे थी और थोड़ी बहुत ये है और इसके बाद फिर अब हम लोग सीधे निकल रहे हैं दूनागिरी की तरफ। सामने जो कार जा रही है उसमें मामा जी लोग जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ से ऑलमोस्ट अभी दौराहाट होगा 20-25 किलोमीटर। तो फिलहाल एक चाय भी रहते हैं। यस बॉय, फाइन, कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? दो तीन जगह तो कुछ अच्छे वाले ब्रेक मारे, हम पीछे से डर गए थे इसलिए आगे निकले थे। इसलिए हम आगे निकले। वैसे चने हैं स्पेशल आगे। नाश्ता किया हमने, नाश्ता क्या लंच ही किया अभी हमने। अब सीधे दौराहाट ही रुकेंगे क्योंकि रात होने वाली है, अंधेरा हो गया, टाइम से पहुँचना ही पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, हमारे पास सामान नहीं है तो अच्छा मज़ा आ रहा है। हमने सारा सामान कार से भेज दिया है। तो गाइस देख रहे हैं तो ये जा रहा है पूरा पलटन सारा सामान लेके। तो गाइस खाना चल रहा है, डिनर, इस समय डिनर का टाइम हो गया। डिनर कर ले हम सब, खाना बांट रहे जो होंगे अभी। बाकी हम लोग ये ले ये चिल्ला खाना खाना आते हैं, फिर खत्म करते हैं ब्लॉग को।